हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब एसआर जंक्शन। तो ये है आगे के चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन हमने कर रहे थे 5 डिस्कस, आगे के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, ये टॉपिक वाइज भी हैं और आपको हेल्प करेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट तक हमने यहाँ तक कर रहे थे फेमाइन और मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, ये क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। एक पार्ट में ये दूंगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस होंगे वो तीसरे पार्ट में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। आगे 9th, 10th SST मैथ्स सबके क्वेश्चन आने वाले हैं और भी टॉपिक्स हैं, बाकी आपको जो चाहिए कमेंट कर दीजिए। देखिए तो 6 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन अकर इन इंडिया के अकर्ड। सबसे पुराना डिवास्टेटिंग फेमाइन कहाँ और कब हुआ था? 1943 द फेमाइन ऑफ बंगाल इज कॉल्ड, तो ये हुआ था और इट किल्ड 30 लाख पीपल, इसमें 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। हु वर इफेक्टेड बाय फेमाइन, इन फेमाइंस यानी अकाल जब पड़ता है, जब सूखा पड़ जाता है कि कहीं भी खाने को नहीं होता, सारी एग्रीकल्चर ख़राब हो गई होती है, गंदा पानी गंदा खाना बचा होता है वही खा सकते हैं लोग बस, वो भी मजबूरी में। तो इससे कौन कौन लोग इफेक्टेड होंगे? एग्रीकल्चर लेबरर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स और फार्मर्स, दीज आर द पीपल हु आर मोस्ट इफेक्टेड ड्यूरिंग द फेमाइन और नेचुरल डिजास्टर। फिर क्वेश्चन आता है हु आर द फूड इनसिक्योर, सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग कौन है? तो वही आ गए, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो रोज़ खुद का काम करते हैं, आज काम है कल नहीं है ये लोग। सीजनल एक्टिविटी वर्कर्स, ये लोग जो ये सीजनल एक्टिविटी में काम करने वाले लोग। SC ST एंड OBCs कैटेगरी के लोग, जो पुराने थोड़े पिछड़े लोग होते हैं, मतलब जिनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम मिला है वो लोग। नर्सिंग मदर्स और चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, नर्सिंग मदर्स चिल्ड्रंस जो 5 साल से छोटे हैं, बेगर्स डेस्टिट्यूट्स का काम करना पड़ता है इन्हें, तो वो लोग कहते हैं फूड इनसिक्योर होते हैं। दीज आर द पीपल हु आर फूड इनसिक्योर कैटेगरी में जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट्स वेयर फूड इनसिक्योर पीपल आर फाउंड, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ फूड इनसिक्योर लोग मिलते हैं? UP, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये वो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, ज़्यादातर लो पॉपुलेशन भी है, काम नहीं होता है, एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ हैं, तो इनमें ये लोग फूड इनसिक्योर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर, दो तरीके के हंगर होते हैं, एक सिचुएशन है जिसमें लोग खाना नहीं खा पाते, भूख लगती है, तो ये सिचुएशन जिनमें लोगों के पास पैसे नहीं है खाना नहीं खा पा रहे वो हंगर सिचुएशन है, ये पॉवर्टी की एक पहचान भी है, फूड इनसिक्योरिटी की भी पहचान है। क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर दो टाइप्स की हंगर होती हैं। क्रॉनिक हंगर सबसे बड़ी होती है, क्रॉनिक हंगर इज़ द रिजल्ट ऑफ डाइट एंड एडिक्वेसी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्रॉनिक हंगर कहते हैं एक ऐसा रिजल्ट है डाइट इन एडिक्वेसी का, मतलब होता है कि जब कोई को डाइट जो पूरा नहीं मिल पा रहा या ले नहीं रहा, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी अच्छा खाना नहीं मिलता है उन्हें क्वालिटी का क्वांटिटी में। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, इसका मेन रीज़न है वेरी लो इनकम होना, पुअर पीपल इससे ज़रूर सफ़र होते हैं। दूसरा पढ़ते हैं सीजनल हंगर, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ फूड एंड जॉब, फूड की कमी होना या जॉब्स ना होना कहते हैं इस वजह से, कहते हैं ड्यू टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर सीजनल एक्टिविटी सीजनल काम में होती है, रूरल एक्टिविटी के काम यानी एग्रीकल्चर का काम ज़्यादातर सीजनल होता है, तो ऐसे लोगों को सीजनल हंगर फेस करना पड़ता है। ये पूरे साल लगभग क्रॉनिक हंगर में रहते हैं जिनके पास फूड की इनसिक्योरिटी होती है, ये सीजनल टाइम में इनके साथ ऐसा होता है। इट इज़ फाउंड इन रूरल एरिया ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड इन अर्बन एरिया ड्यू टू कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर्स जो होते हैं जैसे जो लोग काम करते हैं डेली बेसिस पे या सफ़ेदी वगैरह का, तो उनके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो सीजनल और क्रॉनिक हंगर आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स, तो ये हैं फुल फॉर्म्स जो आएंगी पेपर में, FCI, MSP, NHFS, PDS, ICDS, FFW, RPDS, TPDS, AAY, APS, ADS, ये फुल फॉर्म से पूरे चैप्टर्स की जो आपको करनी है। FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कहता है ये सारा ध्यान रखता है, फूड बफर स्टॉक वगैरह का काम भी यही करता है। MSP इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है फॉर परचेजिंग देयर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। NHFS नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, ये डिपेंड ये सर्वे लेता है हेल्थ एंड फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ में, ये बताता है कितने लोग फूड सिक्योरिटी में हैं कितने नहीं हैं। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
सस्ते रेट पे राशन सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट करती है काम। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये बच्चों का डाटा कलेक्टेड करती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, फूड प्रोविजन का, मिड डे मील वगैरह जैसे प्रोग्राम्स ये सब लोग चलवाते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कहते हैं, ये भी एक प्रोग्राम है कि लोगों को और जॉब्स दे के कुछ भी उनको काम देते हैं जिससे उनकी फूड सिक्योरिटी बचे। RPDS रैम्पेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इसी का एक पार्ट है। TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें स्पेशल लोगों को कहते हैं, इसमें टारगेट करा जाता है कि सोसाइटी में PDS होने की वजह से बाद भी कहते कुछ लोग रह जाते हैं तो उनके लिए बनाए गए थे। AAY इज़ द अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं, और आगे चैप्टर में आएगा। APS अन्नपूर्णा स्कीम, ADS इज़ अकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस। तो ये फुल फॉर्म्स हैं जो आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द राशनिंग सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस, इंडिया के अंदर राशनिंग सिस्टम की स्टार्ट कब हुई थी। 1940 में राशनिंग सिस्टम स्टार्ट करा गया था, बंगाल फेमाइन वगैरह जब कंडीशंस बन रही थी तो कई जगह ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था देखते हुए। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ राशन कार्ड, से क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे शॉर्ट में आ सकता है इस बार। अंत्योदय कार्ड कहते हैं फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, BPL कार्ड फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स, अबव पॉवर्टी लाइन पीपल इज APL कार्ड। नेम द थ्री इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन 1970 इन इंडिया, इंडिया के अंदर तीन फूड इंटरवेंशन यानी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चालू करे गए थे। पहला तो है सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स का, इसकी कमी बताएगा, शॉर्ट कम्स या लिमिटेशंस। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, FFW फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये तीन प्रोग्राम्स हैं जो 1970s के आसपास स्टार्ट हुए थे। नेम द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1960 विच हेल्प द फूड सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन है जो 1960 में स्टार्ट करा गया था। उसका आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 1960 में फूड सिक्योरिटीज के लिए स्टार्ट करा था जब हमारे देश में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर्स थी, उनकी वजह से ही कहते हैं स्टार्ट हुआ था। वैन अंत्योदय अन्न योजना स्कीम जब ये आई थी कब लॉन्च हुई थी, सन 2000 में। व्हाट इज़ सब्सिडी, सब्सिडी क्या होता है, ये डिस्काउंट है एक तरीके से गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से देती है हमें, वो जो खर्चा कर रही है, मतलब जो हमें अमाउंट मिलता है प्रोड्यूसर से और हम लोग तक आता है, तो वो अपने को पैसा नुकसान ना हो तो गवर्नमेंट कुछ पार्ट पेमेंट बीच में खुद करती है अपनी तरफ से ताकि हमें भी बेनिफिट हो और उनको भी, तो उसे सब्सिडी कहते हैं। इट इज़ अ पेमेंट डेट द गवर्नमेंट मेक्स टू ए प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस भी कम ना हो और हमें भी मिल जाए, उनको भी उनका प्राइस मिल जाए। जैसे गैस में आता है, गैस कनेक्शंस होते हैं तो कुछ पैसे हम देते, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी अपनी तरफ से देती है, तो उनका अमाउंट उनके पास पहुँच गया, हमारा हमारे पास आ गया, कम में हमें प्रोडक्ट सर्विसेज मिल जाती है। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट क्या है। PDS हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द प्राइस एंड मेकिंग फूड अवेलेबिलिटी टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। सबसे पहला बेनिफिट ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कि सस्ते रेटों पे सामान मिलता है और गरीब लोगों को बेनिफिट होता है इससे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हंगर एंड फेमाइन, कहते हैं फेमाइन और हंगर के टाइम में ये लोग फ्री में ही खाना बांट देते हैं सरप्लस रीजन उठा के, डेफिशिट एरिया में जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर सामान बांटा जाता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन में मदद करते हैं, स्कीम लगाते हैं, फार्मर्स के साथ टाई अप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं। PDS प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स, ये फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी दे देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके मार्केट में उनको, ताकि उनके साथ एजेंट्स अपनी मनमानी ना करें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है PDS का। इट मेक द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन डेफिशिट या फिर पुअर एरियाज, एक पॉइंट ये ऐड कर दो तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। नेम द पॉलिसी डेट टारगेट पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, कहता है वो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनेगी। अंत्योदय अन्न योजना एक ये है, एक अन्नपूर्णा स्कीम, ये दो स्कीम मिला के गवर्नमेंट ये काम पूरा कर लेती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे आगे के मैं दूसरे पार्ट वीडियो में डालता हूँ, थर्ड पार्ट में देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंटरेस्ट लिया आपने बहुत अच्छी बात है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मैथ साइंस SST।
और बाकी जो आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो उसमें कमेंट कीजिए ताकि मेरी वीडियो और अच्छी हो सके। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।